हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राज और आप देख रहे हैं विंडोज टेक सॉल्यूशन। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है इसको इनेबल कर सकते हैं अपने लैपटॉप को लॉगिन करने के लिए। ठीक है, मैं ये एचपी का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और जो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा ये सब में सेम वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, आपको एक लॉगिन पासवर्ड पहले सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने सिस्टम को लॉक कर रहा हूँ एक बार, तो जो लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड सेट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो ऑप्शन है फिंगरप्रिंट वाला ये वर्क करता है। तो मैंने ऑलरेडी पासवर्ड सेट करा हुआ है, मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपने पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ है तो पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, आपने सिंपली जाना है ये विंडोज़ वाले आइकन पे और उसके बाद सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन ऑप्शंस, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड सेट करने के लिए। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे केस में चेंज का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो मुझे चेंज का ऑप्शन आ रहा है। आपने अगर पासवर्ड सेट नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आपको यही है कि आपने पहले पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, पासवर्ड सेट आप कर लेंगे, लॉगिन पासवर्ड को सेट कर लेंगे, उसके बाद आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट मारना। ठीक है, रीस्टार्ट मारने के बाद जैसे आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है इस फिंगरप्रिंट को इनेबल करने के लिए। ठीक है, मेरे केस में जो मेरा फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है वो ऐसा है, छोटा सा है। ठीक है, आपके केस में बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कांच का ग्लास भी हो सकता है जिस पे आप प्रेस करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट जो है वो काम करेगा। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब में सेम वर्क करता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करने के बाद आपने जाना है विंडोज़ आइकन पे, उसके बाद आपने क्लिक करना है सेटिंग्स पे। ठीक है, अकाउंट्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन ऑप्शंस, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला विंडोज़ हेलो फिंगरप्रिंट। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये विंडो खुल के आएगा, आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे और अब आपको क्या करना है, जो अपनी फिंगर है उसको स्वैप करना है अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यहाँ से मैं स्वैप करूंगा आराम से एक बार। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी 2-3 बार करनी पड़ेगी ताकि वो एक्यूरेट आपकी फिंगर को एनालाइज कर ले। एक बार और स्कैन करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे जो मेरी फिंगरप्रिंट है वो सेट हो गई है। ठीक है, मैं चाहूँ तो 2 फिंगरप्रिंट भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं ऐड अनदर फिंगर। ठीक है, आप 2 फिंगर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेट अप पिन, आपने पिन सेट करना है। पिन इसलिए सेट करते हैं इन केस आपकी जो फिंगर है उस पर कुछ इशू आ जाए, मतलब उस पर कोई चोट लग जाए। ठीक है, और वो फिंगरप्रिंट काम ना करे तो आप पिन के थ्रू अपने लैपटॉप के अंदर लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्लिक करना है सेटअप पिन। सबसे पहले आपको जो आपका लैपटॉप का ओरिजिनल लॉगिन पासवर्ड है पहले वो डालना है। ठीक है, ताकि ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो पाए। तो मैं जो अपना लॉगिन पासवर्ड है वो डाल देता हूँ एक बार। ठीक है, अब मेरे को जो अपना पिन है जो मुझे सेट करना है मैं सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, जब मैंने पिन डाल के ओके क्लिक किया तो मुझे एरर देखने को मिला है, प्रोवाइड ए पिन दैट मीट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपका पिन है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपने डाल दिया 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8, मतलब एक सीरीज में नंबर नहीं होने चाहिए। आप ऐसे डाल सकते हो जैसे 1 3 8 7, मतलब वो एक लाइन में नंबर नहीं होने चाहिए, इसकी वजह से मुझे एरर आया है। आप देख सकते हैं सेटअप हो गया। ठीक है, रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है अगर आपको हटाना है, ऐड अनदर अगर आपको एक फिंगर और ऐड करनी है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको मैं कट करता हूँ और अपने लैपटॉप को मैं लॉक करता हूँ एक बार। लॉक हो गया। ठीक है, ठीक है, ये लॉक हो गया सिस्टम। अब चेक करते हैं, फिंगरप्रिंट एक बार लगाता हूँ मैं और देखिए यहाँ पे लॉक ऑन हो गया। ठीक है, वापस लॉक करता हूँ। ठीक है, लॉक करा हुआ है, फिंगरप्रिंट को ऐसे फिंगरप्रिंट लगाते हैं, देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया। तो इस तरह आप अपने फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर।